Very nice and charming good mornings, my lovely friends and respected citizens of our country. Okay, मैं राहुल कुमार आप लोगों के बीच में फिर से आया हूँ. जैसे कि मुझे संपूर्ण तरीके से आशा और उम्मीद है आप लोगों के प्रति कि आप लोग जानते होंगे कि आज महत्वपूर्ण दिवस है हम लोगों के बीच. वो दिवस है मदर्स डे, जिसको मैं माताजी दिवस भी बोलता हूँ. ओके, तो इस महत्वपूर्ण दिवस पे मैं आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं सभी माताओं जी को मैं इस रूप में शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उनकी कमल चरणों को स्पर्श करते हुए मेरी ओर से प्रणाम. ओके, तो इस बहुमूल्य दिवस को अगर आप एक अच्छी दृष्टि से देखें तो ये विश्व की सबसे बहुमूल्य दिवस माना जाता है. ओके, तो इसी बहुमूल्य दिवस पे मैं आप लोगों के बीच तीन पॉइंट इम्पोर्टेंट लाया हूँ. तो इस तीन पॉइंट के बताने से पहले आप लोग अपनी बेस्ट जिंदगी से मुझे दो पल दे दीजिए. ओके, डिड यू गेट इन माई पॉइंट? तो चलिए मैं अब आप लोगों को इस तीन पॉइंट को एक एक करके रूबरू करवाता हूँ. ओके, तो पहला पॉइंट ये है कि कहा जाता है कि हजारों फूलों से एक माला बनती है. ओके, हजारों फूलों से एक माला बनती है, हजारों दीपक से थाली सजती है. ठीक उसी प्रकार हजारों बूंदों से एक समुंदर बनती है, हजारों बूंदों से एक समुंदर बनती है. इस ठीक उसी प्रकार एक माँ अकेला ही काफी होती है. ठीक इसी प्रकार एक माँ अकेला ही काफी होती है बच्चों को जीवन स्वर्ग बनाने के लिए. ओके, तो चलिए अब मैं दूसरा पॉइंट से आप लोगों को मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कहा जाता है कि हिसाब लगा कर देख लो दुनिया के हर रिश्ते आधा अधूरे होंगे. हिसाब लगा कर देख लो दुनिया के हर रिश्ते आधा अधूरे होंगे, पर माँ का एक प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेंगे. ओके, डिड यू गेट इट माई पॉइंट? आई होप. ओके, तो मैं अब आप लोगों को तीसरा पॉइंट से रूबरू करवाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि चार व्यक्ति के खाने के लिए उनके बीच 3 टुकड़ी रोटी है. उस स्थान पे एक माँ ही होगी जो बोलेगी मुझे भूख नहीं है. ओके, आई होप आई एम आल्सो राइट और रॉन्ग. आई होप आई एम आल्सो राइट. डिड यू गेट इट माय पॉइंट? ओके, तो अब चलिए मैं आप लोगों को अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में इस बहुमूल्य दिवस पे कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम लोग अपने माता पिता से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाता हूँ या उनसे दूरी रहता हूँ. ओके, तो जब आपने माता पिता से इस एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे जब मिलते हैं तो हम लोगों को इतनी खुशी मिलती है कि जितना खुशी इस विश्व की किसी कोने से नहीं मिलती है. इतनी खुशी मिलती है हम लोगों को माता पिता से मिलने के बाद. तो इस शब्दों से आप समझ सकते हैं कि हमारे माता पिता की योगदान कितनी है हम लोगों की लाइफ में. ओके, तो इसलिए हम लोगों को अपने माता पिता की सम्मान और आदर करना चाहिए और उनकी हर जरूरत को जहाँ जितना से जितना हो सके हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उनकी ज़रूरत हर तरीके से पूरा हो. ओके, तो इस तरह की योगदान है हम लोगों के लाइफ में हमारे माता जी और पिताजी का. ओके, आज बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अपने माता पिता के योगदान अपने लाइफ में नहीं समझते हैं. जैसे कि 100% में 10% ही व्यक्ति आज समझ पा रहे हैं हमारे माता पिता के योगदान हमारे लाइफ में क्या है. ओके, और 90% व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहे हैं. तो आप इस सब से समझ सकते हैं या हमारे
वीडियो के माध्यम से 90% व्यक्ति को आप समझा सकते हैं कि हमारे माता पिता की हमारे लाइफ में क्या योगदान है। ओके, तो आप लोगों का इसी शब्दों से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों का दिन शुभ मंगलमय हो। थैंक यू। ओके।